सेकेंड ऑर्डर जैसे मान लो ए से बी है, ठीक है, यस तो अगर मान लो टी इक्वल टू जीरो की बात करें, टी इक्वल टू जीरो पे ये ए है और ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, राइट सर, लेकिन टी टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा, सही है। यस तो डीएक्स अपॉन डीटी क्या लिखते हो बताओ, ये ए माइनस एक्स स्क्वायर। के इंटू ए माइनस ए एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर, सही यस है, सर, यस सर, या क्या लिख लेंगे, डीएक्स के कहां से लिखना है बताओ। जीरो सर, 0 से t सर, यहाँ 0 से x से एक्स और यहां जीरो से टी, टी तो इंटीग्रेट करो जरा, यस -2 ln a by a minus x is equal to kt। एलएन नहीं आएगा, एलएन आ रहा है क्या, देखो ये क्या लिख लेंगे इसको, तुमको बता देना कि अगर बाहर माइनस लिखा हो तो इंटीग्रेशन में वो माइनस बाहर भी आ जाता है, ठीक है, तो देखो -2 + 1, -2 + 1, 0 से x, और एक माइनस इसकी वजह से पहले से बाहर आ गया, ठीक है, यस सर, इक्वल टू KT, सही है ना। यस सर, तो अभी देखो क्या हो जाएगा, ये -2 + 1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट सर, तो ये इधर करता हूं, तो 1 a - x जीरो से एक्स डालना है, ठीक है ना, यस सर, और ये क्या हो गया KT, ठीक है, यस सर, एक बार एक्स पुट करना और एक बार जीरो पुट करना, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 upon a - x - 1 upon a, ये पूरा KT के बराबर आ गया, यस सर, क्लियर हुआ तुम्हें, यस सर, पहले इन्हें नोट करो, ओके कर लिया, सर, कर रहा हूँ।
यस सर कंप्लीट लिख लिया यस ये जितने कलर में लिखा कौन सा तुम्हें सबसे अच्छा लग रहा था ओमकार यस सर इनमें कौन सा कलर तुमसे सबसे सही लग रहा लिखने में ब्राउन में लिखना सही रहेगा कि ग्रीन में कि ब्लू में कि ब्लैक में बोलो सर ब्लू में ब्लैक में इन दोनों में कौन सा सबसे सही लगेगा सर ब्लू ठीक है ब्लू में लिखते हैं अब देखो ये जो आया इसको नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे ए इंटू ए माइनस एक्स आ जाएगा ऊपर सर एक्स आ जाएगा ये सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला हो गया ठीक है यस सर अच्छा इसका हाफ लाइफ बताओ जरा तो सेकेंड ऑर्डर का यस सर सर वन बाय ए के वन बाई ए के यस बता देखो इन शॉर्ट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वन अपॉन ए के पावर एन माइनस वन यस जहां एन क्या है ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यस तभी तो देखो अगर तुमने एन जीरो रखा तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो गया है ना यस सर अगर तुमने एन वन रखा तो टी हाफ क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट हो गया यस सर एन टू रखा ठीक है यस सर उसके बाद हेडिंग डालो यस सर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यस जैसे देखो रेट क्या होता है ये होता है यस सर और जरा इससे रेट कांस्टेंट का यूनिट बताओ ना कितना आ रहा है सर ऑर्डर पे भी डिपेंड करेगा ना
हाँ ऑर्डर पे भी डिपेंड करेगा, क्या आएगा बताओ। सर देन फर्स्ट ऑर्डर का बताओ। नहीं ऐसे बता दो ना कि देखो रेट क्या लिखा लिखोगे, रेट होगा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। यस सर। और यहाँ पे क्या डिवाइड कर दोगे, कंसंट्रेशन के पावर ऑर्डर राइट सर। इक्वल टू के हो गया। यस सर। अब कंसंट्रेशन और ऊपर गया तो ये क्या आ गया, कंसंट्रेशन 1 माइनस पावर 1 माइनस ऑर्डर यस सर। और टी के पावर माइनस वन है ना। यस सर। तो जरा फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट बताओ तो। टाइम इनवर्स रेट कांस्टेंट की यूनिट से हमें पता चल जाएगा ना कि कौन सा ऑर्डर है। यस सर। ठीक है ये नोट कर लो। यस सर कंप्लीटेड। अब जैसे देखो फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये कोई रिएक्शन है ठीक है, यस सर। और इनिशियल प्रेशर मान लो दिया है टी नॉट। यस सर। और आफ्टर टाइम टी ठीक है, यस तो हमको के निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, समझाओ सर। समझ रहे हो ना रिएक्शन का प्रेशर दिया है इनिशियल, क्या क्या बोल रहा हूँ तेज सर, इनिशियल प्रेशर किसका दिया हूँ। अरे तेज बोलो, तुमने हमारे को दीदे आ रही है सर। इनिशियल प्रेशर किसका दिया, ए का दिया है। यस सर। और फाइनल प्रेशर पूरे सिस्टम का दिया है। यस सर। अब देखो जैसे तुम लिखते हो ना के की इक्वेशन क्या लिखते हो, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स लिखते हो। यस सर।
तो लॉग ए मतलब इनिशियल तुमको डालना है यहाँ पे प्रेशर ए की जगह क्या, क्योंकि देखो क्या होता है पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है ना राइट सर, तो पी इक्वल टू एन बाई वी सी आर टी राइट सर, मतलब प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है यस सर। तो ए की जगह पी इनिशियल अपॉन रिएक्टेंट का पी फाइनल डाल सकते हैं यस सर, समझा यस सर समझा। तो मैं बताता हूँ करके दिखाता हूँ तुम्हें एक, ये क्वेश्चन नोट कर लिया ना मिटा सकता हूँ मैं यस सर, ये सब भी नोट कर लिया यस सर। तो मान लेते हैं पहले ये P है नॉट है और ये जीरो जीरो है यस सर, थोड़ी टाइम के बाद ये कितना जाएगा P नॉट माइनस X टू X और ये X राइट सर। तो टोटल प्रेशर क्या होगा इनका सम होगा यस, ये P टोटल है PT, ये सही लिखा ना तीनों को ऐड कर दिया देखो yes, इसको 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 ऐड करोगे तो टोटल प्रेशर मिलेगा ना राइट सर, सही ना यस सर। तो X कितना आ गया PT माइनस P नॉट बाई टू यस सर, सही है यस सर। अच्छा K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log इनिशियल कितना है, A का इनिशियल कितना P है P नॉट और इसका फाइनल कितना है P नॉट माइनस X, सही है ना यस सर। रिएक्टेंट का ही लेना है ना राइट सर, ठीक है तो फिर क्या हो गया K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log P नॉट माइनस PT माइनस P नॉट बाय टू यस सर। कितना आ जाएगा log 2p नॉट ऊपर आ जाएगा यस यस सर, और नीचे कितना आ जाएगा 3p नॉट माइनस PT यस सर। समझा यस सर, पूरा क्वेश्चन समझ में आया यस सर समझ। एक और दो करोगे यस सर, ठीक है अब नोट कर लिया ना तुमने सर एक सेकंड।
यस सर। चलो एक और करते हैं। फिर टी जीरो पे पी नॉट है, ठीक है ना, और टी इक्वल टू टी टाइम के बाद टोटल प्रेशर पी टी है, पी टी दिया है, ठीक है। यस सर। के के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। सर k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log 5 p नॉट बाय 6 p नॉट माइनस p t। यही हुआ ना कि p नॉट माइनस x कर दिया 3x 2x x, x. Yes, p t हो गया कितना p नॉट प्लस 5 ऐड कर दिया p नॉट प्लस 5x है ना। यस सर। तो x आ गया p t माइनस p नॉट बाय 5। की लिख लेते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल पी नॉट, अरे कितना जगह पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट अपॉन 5 है ना। यस सर।
6 P naught. Minus PT. Yes, sir. सही है? Yes, sir. यही आया था ना? Yes, sir. अच्छा देखना, अगर इसमें कोई सॉलिड रहेगा ना तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि सॉलिड का प्रेशर नहीं होता है ना, समझा ना? Yes, sir, समझा. पक्का समझाओ? Yes, sir. अच्छा सर, लिक्विड होगा तो लेंगे ना? लिक्विड का भी नहीं लेंगे, बस गैस का लेंगे. ओके सर. समझा? यस सर, समझा. अच्छा रुको, अब थोड़े से क्वेश्चन अपन बनाते हैं. एक मिनट रुकना, ओंकार दे रहा हूं, है ना? यस सर. इनके सॉल्यूशन मत देखो, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, एग्जांपल 3 और 4, समझा? यस सर. हाँ, खुद से करने हैं एग्जांपल 3 और 4. सर वो विजिबल नहीं हुई क्वेश्चन. ओमकार दिख नहीं रहे क्या? सर अभी आए. अच्छा अच्छा सॉल्यूशन नहीं देखोगे, ठीक है? यस सर. सही गया ना? yes, नजर नहीं जाएगी. right. नजर नहीं जाएगी, है ना? yes, sir.
सर स्क्रीन चली गई, रुको फिर कर दो, फिर गायब करना पड़ेगा, देख रहे हैं? यस सर।
ओमकार नहीं आ रहा है क्या सर? फोर्थ एग्जांपल कर रहा हूँ. ऊपर वाला आ गया ना आंसर? यस सर आ गया. यस सर हो गया. यस सर डाउट नहीं है? नो सर. पक्का? यस सर. अच्छा क्लियर हुआ ना एकदम? यस सर. ये एग्जांपल फाइव भी देखो सर. विजिबल नहीं. अब दिख रहा है? यस. एग्जांपल फाइव भी देखो, करो खुद से करो. सॉल्यूशन बाद में देखना, पहले खुद से अटेम्प्ट करना. ठीक है? यस सर.
यस सर हो गया। समझ में आया कैसे किया है? यस सर। पक्का? यस सर। तुमको पूरा समझ में आ रहा है ना जो भी कर रहे हैं? यस सर। ये स्क्रीन पे देख रहा है रिएक्शन? नो सर। अभी देख रहा है? यस सर। हाँ ये करो, सॉल्यूशन नहीं देख रहे हो ना तुम? नो सर। ओमकार। यस सर। आवाज कट रही थी क्या? सर ब्रेक हो रही है। यस सर।
Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir, sir. पक्का ना? Yes, sir. आंसर कितना आया? 500 सेकेंड. ठीक है, बस. दिख रहा है ये? सर नहीं. अच्छा, अब दिख रहा है? यस सर. ये जो है क्लियर कट दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है? सर जूम हो गया है. हाँ, अभी क्लियर कट दिख रहा है? यस सर. अच्छा ठीक है, फटाफट कर लो ये 9 क्वेश्चन. ओके सर.
कितना हो गया ओमकार सर? सिक्स क्वेश्चन कर रहा हूँ. ठीक यस सर. सर वो क्वेश्चन थर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है. थर्ड नहीं आ रहा है सर. उसका फर्स्ट पार्ट नहीं आ रहा है, सेकंड आ गया. सेकंड पार्ट क्या है? The rate of disappearance. Appearance. ठीक है. यही क्वेश्चन है ना? यस. ज्यादा ही बड़ा हो गया ना? यस. ठीक. देखो अपन क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 इतना दिया है, मतलब क्या लिख सकते हैं? -1/2
ठीक है यस सर अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 ये वाली वैल्यू देखो दिया हुआ है राइट सर ये वैल्यू दिया है 2.5 × 10⁻⁴ है ना यस सर और ये पूरा ये रेट एक्सप्रेशन लिखा ना मैंने राइट सर ये 1.25 × 10⁻⁴ रेट आ गया सही है यस अब पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 मतलब क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है ये है ना समझ रहे हो ना यस सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 मतलब ये पूछ रहा है तो ये 3R के बराबर होगा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे राइट सर 3R कितना हो जाएगा 3.75 ये आ गया समझा यस सर समझा उसके बाद बताओ सर वो 8 नहीं आया यूनिट ऑफ रेट क्या होगा एटमॉस्फेयर अपॉन सेकंड ना कॉन्सेंट्रेशन होता था उसके बाद एटमॉस्फेयर हो जाएगा राइट सर यस सर ऑप्शन सी होगा दे और बताओ सर आगे और कोई नहीं डाउट है नो सर अच्छा तो ठीक है फटाफट बन गया कॉन्फिडेंस आया थोड़ा यस सर ठीक है तो अगले लेक्चर में हम आरहेनियस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे ठीक है ओके सर सर 9th का आंसर क्या है 9th का आंसर क्या रहेगा ये सी ये अरे तुम ऐसे देखो ना dx by dt होता है ना रेट यस सर तो dx की जगह क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ क्या होगा p इक्वल टू crt हुआ ना तो right, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऊपर एटमॉस्फेयर ले लिया नीचे सेकंड ले लिया यस सर ठीक है मैथ में कहाँ तक हो गया सर इंटीग्रेशन स्टार्ट किया ठीक ठीक चलो हेडिंग डाल लो अगली क्लास में भी फिजिकल कर रहे हैं आर्हेनियस इक्वेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है यस सर ठीक है चलो मिलते हैं फिर बाय बाय सर थैंक यू सर थैंक यू गुड नाइट